नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरल। दिल्ली के लाल किले को रखरखाव के लिए डालमिया ग्रुप ने गोद लिया है। अडॉप्टेड हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत डालमिया ग्रुप को ये ठेका मिला है। 5 साल के लिए मिले ठेके के लिए कंपनी सरकार को 25 करोड़ रुपए देगी। कहा यह जा रहा है कि कंपनी इसके रखरखाव में हर साल 5 करोड़ रुपए खर्च करेगी, सुविधाएं बेहतर बनाएगी। लेकिन इस बात पर बवाल खड़ा हो गया है और इस फैसले के विरोध में तेजी से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या यह फैसला सही है या फिर सरकार की तरफ से लिया गया एक गलत फैसला है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और इस मुद्दे पर बात करेंगे। हिंदुस्तान की शान और इतिहास का हिस्सा है दिल्ली का लाल किला। आजादी से पहले इसने सैकड़ों सालों तक इतिहास बनते देखा। दिल्ली में मौजूद लाल किले को मुगल बादशाह शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से ही हर साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाते हैं। लाल किला देश की संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अब लाल किले को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इसी लाल किले के साथ अब एक नया इतिहास लिखा गया है। केंद्र सरकार के अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के तहत लाल किला देश की ऐसी पहली ऐतिहासिक इमारत बन गया है जिसे डालमिया ग्रुप ने 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर गोद लिया है। डालमिया ग्रुप को 5 साल के लिए लाल किले को गोद दिया गया है। इसके लिए ग्रुप ने सरकार को 25 करोड़ रुपए दिए हैं, यानी 5 करोड़ 1 साल के लिए। अब अगले 5 साल तक लाल किले के रखरखाव की जिम्मेदारी डालमिया ग्रुप की होगी। डालमिया ग्रुप, पर्यटन मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व विभाग के बीच इस कॉन्ट्रैक्ट पर 9 अप्रैल को साइन हुए थे। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डालमिया ग्रुप को 6 महीने के अंदर ही लाल किले में बेसिक सुविधाएं देनी होगी। इसमें साफ पानी, आरामदायक कुर्सियां, साफ सफाई, बेहतर शौचालय, लाइटिंग, साइन बोर्ड, कैंटीन जैसी सुविधाएं शामिल हैं ताकि सैलानी यहां बार बार घूमने आए। लेकिन सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध भी शुरू हो गया है। क्या अब आप इस लाल किले को भी अपने कॉरपोरेट साथियों को गिरवी रख देंगे? क्या लाल किले में जाने के लिए 132 करोड़ लोगों को टिकट लगाई जाएगी? क्या इस लाल किले के अंदर अब कमर्शियल फंक्शंस पैसे देके हुआ करेंगे? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और मोदी सरकार को, जिनके पास लाल किले के रखरखाव के लिए 5 करोड़ नहीं, वो देश को बला का खाक चलाएंगे। ये सिर्फ संस्कृति मंत्रालय तक इसको ना थोप दिया जाए। ये पूरी जो नव उदारवादी व्यवस्था का एक हिंसक चरित्र प्रधानमंत्री जी अपने नेतृत्व में ला रहे हैं, जिसमें क्रोनी पूंजीवाद जो चाहे करवा ले। मुझे इस बात की का दुख है, आज लाल किला है, क्या कल प्रधानमंत्री जी डालमिया फोर्ट से 15 अगस्त को भाषण देंगे? आश्चर्य की बात है कि केंद्र सरकार, जो खुद को सक्षम समझती है और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उनके पास है, कि वो अपने जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है देश के अंदर, जिसे हम देश की शान कहते हैं, रेड लाल किला जैसा, वो नहीं संभाल पा रही है, उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे, और एक प्राइवेट कंपनी के साथ में टाई अप किया। अभी ये MOU क्या है और क्यों ये प्राइवेट कंपनी ने ये तैयारी दिखाई है? और कोई मॉन्यूमेंट ही नहीं, रेड फोर्ट ही क्यों? वहीं सरकार ने साफ किया है कि सैलानियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के लिए निजी कंपनियों के साथ करार किया जा रहा है। इन कंपनियों को मुनाफा कमाने की इजाजत नहीं दी गई है। इमारतों से होने वाली कमाई इन्हीं के रखरखाव पर खर्च की जाएगी। 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे 2017 को एक फिलेंथ्रोपिक कॉल दी कि जो देश के लोग, संस्थाएं, बिजनेस हाउसेस इसमें कुछ करना चाहते हैं वो आगे आए, और मुझे खुशी है लोग आगे आए इस काम के लिए, और उसी के तहत आज ये व्यवस्था की गई। और उसमें क्लेरिफाई है कि जो टिकट का पैसा वहां पर आता है, वो टिकट का पैसा भारत सरकार के खजाने में जाता रहेगा। कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ना तो भारत सरकार उनको देगी ना वो भारत सरकार को देंगे। इस योजना के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम कॉरपोरेट वर्ल्ड को भी इन्वॉल्व करें, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वो आगे आए और मॉन्यूमेंट मित्र के नाते हमारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है या ASI के जो बहुत महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स है, उनमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका मेंटेनेंस करे, ऑपरेट करे और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज यहाँ पे करे। विपक्ष के अलावा इतिहास और पुरातत्व के बड़े जानकारों ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। इस बात पर आपत्ति है कि कॉरपोरेट ग्रुप के पास इतिहास या ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी कितनी है कि वो इनका रखरखाव ऐसे कर पाए जिससे कि इनके ढांचे या इनके स्टाइल से छेड़छाड़ ना हो।
जाने माने इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल ने ट्वीट किया है कि राष्ट्र की महानतम धरोहरों के रखरखाव के लिए और बेहतर तरीके हो सकते हैं बजाय इसके कि उन्हें कॉर्पोरेट घरानों को सौंप दिया जाए। आपको बता दें कि एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के तहत लाल किला पहली राष्ट्रीय धरोहर है। केंद्र सरकार ने बीते साल सितंबर महीने में ये स्कीम लॉन्च की थी। पूरे देश की करीब 100 ऐतिहासिक इमारतों को इसके लिए चिन्हित किया गया था। इन इमारतों में ताजमहल, कांगड़ा फोर्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर जैसे कई प्रमुख स्थल शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से लाल किले की देखरेख डालमिया ग्रुप के हाथों में देने के बाद बवाल मचा है, उससे देखना होगा कि आगे इस स्कीम को कैसे चलाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लाल किले को गोद देने पर यहां पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिस पर विपक्ष जो है वो लाल जरूर नजर आ रहा है। तो कई तरह के सवाल जो है आज जी बिजनेस भी उठा रहा है और इन मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या वाकई ये सही फैसला है कि कॉरपोरेट घरानों को अपनी एक ऐसी धरोहर सौंप दी जाए जिसका इतिहास के साथ, भारत की आजादी के साथ एक अलग ही जुड़ाव है। क्या कॉरपोरेट घराने इस चीज के लिए सही हैं? और इस मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो इस पूरे चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको उनके साथ तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर गुलरेश शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। इसके अलावा हमारे साथ दुष्यंत नागर भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। और इसके अलावा हमारे साथ फिरोज बत अहमद भी हैं जो कि एक इतिहासकार हैं और पूरा जो है इस पर प्रकाश डाल पाएंगे कि इतिहास के मायने, इतिहास की नजर से इस फैसले को कैसे देख रहे हैं। बहरहाल सबसे पहले मैं चलती हूं दुष्यंत नागर जी के पास जो कि कांग्रेस समर्थक है, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार विरोध क्या है, क्या लग रहा है विपक्ष को, क्यों जो है सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। नहीं, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं। सोशल एक्टिविस्ट हूं, मेरे निजी विचार है। देखिए, ये जो स्कीम है, स्कीम बुरी नहीं है, स्कीम अच्छी है, इस पर और आगे भी काम होना चाहिए। लेकिन लाल किला और भारत का एक बड़ा गहरा संबंध रहा है। 1857 की आज़ादी क्रांति के दौरान वहीं से उसकी घोषणा हुई। 1858 में हमारे बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों से अंतिम लड़ाई लड़ते हुए वहाँ पर अपना खून बहा दिया। नेहरू जी ने पहला भाषण वहाँ से दिया भारत की आज़ादी के बाद, और जो हमारे NIA जो आज़ाद हिंद फौज थी, उसके जो बहादुर हमारे जर्नल्स थे, सैनिक थे, उनके ऊपर वहाँ मुकदमा चला। वो मुकदमा लाल किले केस के नाम से जाना जाता है। तो ये एक भारतीयों की भावनाओं से जुड़ा है। तो अगर इसको सरकार खुद करते, खुद जैसा चल रहा था उसी में और सुधार करते, तो मुझे लगता है कि भारतीयों को उस पर अधिक गर्व और हर्ष होता। जिस प्रकार से एक कॉरपोरेट हाउस का नाम जोड़ देना है, वो कहीं ना कहीं भावनाओं के टच करीब पहुंच जाता है, कहीं ना कहीं भावनाएं आहत हो जाती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भावनाएं आपको लग रहा है कि आहत हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर कई तरह के ना और भी लोगों के मन में चीजें आ रही है। डॉक्टर गुलरेश शेख के पास जाना चाहूंगी। हमने अक्सर देखा है कि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन जो है उनको भी कॉर्पोरेट्स को दिया गया है, लेकिन उनके नाम के साथ जो है ना उन कॉर्पोरेट्स का नाम जुड़ गया है। अगर एक बात की जाए तो जैसे यहाँ पर अगर नोएडा के मेट्रो स्टेशन की बात की जाए तो वेव सिटी सेंटर है। बहुत से लोगों के मन में ना अब ये डर समा गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि लाल किले के आगे भी कुछ ऐसा नाम जुड़े, और शायद यही वजह है कि लोग जो अब इसका विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, एक बात है कि हम नेशनल टेलीविजन पर बैठकर हाइपोथेटिकल बातों पर चर्चा ना करें, और मुझे तो एक बात और लगती है, दुख होता है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है, जो राष्ट्रीय धरोहर है, उनकी साज सज्जा, उनकी रखरखाव और अच्छी फैसिलिटीज हो, उसमें भी विपक्ष आज विघ्न डालने का प्रयास कर रहा है। और इस जिस योजना के तहत इसको दिया गया है 5 वर्ष के लिए केवल गोद के लिए, तो उस योजना में ना ही शोषण है इमारत का, ना ही दोहन है, केवल पोषण है, केवल पोषण है और केवल पोषण है, और वो भी किस प्रकार से है, जन भागीदारी के माध्यम से। हमें ये सोचना होगा कि इन इमारतों को, क्योंकि हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, इनको कोई हमको 150 या 200 साल नहीं चलाना है, इनको तो हजारों वर्षों तक चलाना है। और एक जो ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है हमारे में कि हर ये सब काम जो है वो भारत सरकार करेगी, ये वास्तव में सोवियत मॉडल जो था, नेहरूवियन मॉडल जिसको पूरा बनाया गया, और जिसके बारे में नेहरू जी कहते थे, इफ द फ्यूचर इज फुल ऑफ होप, इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ सोवियत रशिया। अब तो वो सोवियत रशिया ही नहीं है, तो उसका उस मॉडल से भी देश को बाहर निकलना होगा। दुनिया बाहर निकल चुकी है, और जब तक के आप देखिए, उदारीकरण नहीं हुआ था 1991 में, उसके पहले कांग्रेसी क्या कहते थे,
कांग्रेसी को दूसरे भी कहते थे कि हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट है जो भारत का वो 3% है, जबकि वो हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट नहीं था, वो नेहरूज रेट ऑफ ग्रोथ था। और जो बाद में जो जब बाजार खुला और जब उदारीकरण हुआ तो वो 9% तक चला गया GDP। तो ये सब कुछ जो है इन सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करने के लिए, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए और टूरिज्म भारत में आए ताकि उससे आर्थिक लाभ भी मिले और युवाओं को रोजगार मिले, उन सब के दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर कई जो है आप बातें कह रहे हैं। फिरोज बख्त अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। फिरोज जी, यहाँ पर जो है बात यह की जा रही है कि इससे जो है कहीं ना कहीं भला होगा, क्योंकि इससे यहाँ पर लाल किले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बल्कि जो वहां पर लोग आते हैं यानी कि जो पब्लिक आती है उनको जो है सुविधाएं बेहतर दी जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो विपक्ष हो या आम जनता हो, उनके मन में एक सवाल जरूर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कॉरपोरेट घराने इसे मुनाफे की एक डील समझ ले। आपको क्या लगता है? नहीं, उस डील में तो मैं अभी थोड़ा सा आपसे समझ लूंगा। देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है कि यहाँ तक कि जो टिकट से भी पैसा कलेक्ट होगा वो भारत सरकार के पास जाएगा। और जहाँ तक डालमिया ग्रुप का सवाल है, वो तो बाहर बाहर का जो रख रखाव हुआ, उसका टॉयलेट्स का मेंटेनेंस हुआ, पार्क्स का हुआ, हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनका हुआ, जबकि जो अंदर की जो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है उसमें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही देख रहा है। और जो भी मुनाफा होना है वो उसी के उपयोग में आएगा, उसी के संरक्षण में आएगा और उसको और अच्छा निखारने के काम में आएगा, वो भी अंडर द गाइडेंस ऑफ ASI। बिल्कुल, आपको लग रहा है कि शायद ऐसा होगा। फिरोज जी का भी एक व्यू ले लेते हैं कि उनका क्या मानना है, क्या आपको लगता है कि कहीं इससे कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो जाएगी लाल किले से या बाकी जो हमारी धरोहर है उनके साथ? हाँ, देखिए पल्लवी, मैंने अपने दोनों साथियों को सुना, एक तो गुर्रे साहब तो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं BJP से और दुष्यंत भाई भी जो बात कर रहे हैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का उसको ब्रीफ लेके नहीं चल रहा हूँ, मुझे मतलब है इस वक्त लाल किले से और ये उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी से और जो इन्होंने बात कही थी कि उसके हम पोषण करेंगे। देखिए क्या है कि असल में ये जो काम है, ये जो प्राइवेट कंसर्न्स जो मॉन्यूमेंट्स को देख रही हैं उनको अपलिफ्ट कर रही हैं, ये काम अब से नहीं, कई साल से चल रहा है, 4-5 साल से चल रहा है। वो हुआ ये कि कुछ अर्सा पहले एक बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल आ गया इस तरीके से, तो ये बहस छिड़ पड़ी, वरना बहस का कोई मसला नहीं है। अब आते हैं हम लाल किले के ऊपर। लाल किले को 5 साल के लिए 25 करोड़ के एवज में दिया गया है डालमिया को। तो मैं समझता हूँ एज अ राइटर फॉर हिस्टोरिकल आर्टिकल्स कि इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, सरकार 70 साल सरकार रही, 60-70 साल कांग्रेस की, 4 साल BJP की सरकार रही, हमने सरकार दोनों सरकारों की जानिब से मॉन्यूमेंट्स की तरफ कोई तवज्जो किसी को देते हुए नहीं देखा। मॉन्यूमेंट्स बचे हुए हैं, बहुत से मॉन्यूमेंट्स जो हैं ख़त्म हो गए। एक मैं बताऊं, जैपनीज टीम आई थी 1957 में, फिर वही टीम उसने दौरा किया 1964 में, तो उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 24% मॉन्यूमेंट्स उनकी पहली विजिट 1957 और जो दूसरी विजिट के बीच में 67 ख़त्म हो गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ कुतुब मीनार है और yatra.com को दिया गया है, इसके अलावा सफदरजंग है वो जो है ट्रैवल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है, ऐसी SBI को जंतर मंतर दिया गया है। ये बड़ी कंपनियां हैं, इनको अपने प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। ये ईमानदारी के साथ अगर काम करती हैं, छेड़छाड़ नहीं करती हैं, जैसे दुष्यंत ने कहा कि छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं उसमें कोई बुराई नहीं है। और मॉन्यूमेंट करेगी, जी हाँ, कर रही है। और नहीं नहीं, देखिए आप थोड़ा गुलरेज भाई, मैं एक बात कहकर बात को पूरी करता हूं। अगर कोई भी इसमें छेड़छाड़ करता है, चाहे प्राइवेट कंपनियां, MOU मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है नेट के ऊपर लाल किले का, उसमें सफाई के साथ लिखा हुआ है कि अगर डालमिया या जो भी है अगर उसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं, उसके नक्शे को बदलते हैं, उसका नाम बदलते हैं, लाल किले को राम किला करना चाहते हैं, कृष्णा किला या किसी और नाम से दीनदयाल किला, तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टेप है इस सरकार का, और मैं समझता हूं कि सरकार के हाथ मजबूत करने चाहिए, इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि जिस तरह से MOU की बात कर रहे हैं कि करार जो है अभी फिलहाल 5 साल का है, लेकिन अगर कहीं पे भी किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे भी जाकर लगता है कि डालमिया ग्रुप जो है इसके साथ हमारी धरोहर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो क्या ये करार जो है वो पहले ही खत्म हो जाएगा या इस करार को तोड़ दिया जाएगा? जरा सा भी कुछ छेड़छाड़ होती है या गलत होता है तो भारत सरकार करार को खत्म कर देगी, उसमें 1 मिनट नहीं लगेगा सरकार को। और जहां तक के लाल किले की सुरक्षा का सवाल है, हम इसका दायित्व भारत सरकार ले रही है, तभी ये बात हुई। ईमानदारी से होना चाहिए, ऐसा कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। सर, एक बात, ओरिजिनलिटी है उस मॉन्यूमेंट की, दैट शुड बी रिटेन्ड। बट दुष्यंत नागर जी, दुष्यंत नागर जी, इस विषय पे तो नहीं है,
मेरा ये मानना छेड़छाड़ नहीं होगी, छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन आप इसको दूसरे परिदृश्य में देखिए। लाल किले का भारत में जो नाम है वो भारतीयता के साथ जुड़ा हुआ है, आजादी की घटनाओं का लाल किला गवाह रहा है। वहां पे मैंने भी आपको बताया तो कितने लोगों ने तो दे नहीं दिया ना, कोई विदेशी कंपनी को नहीं दिया है, अपनी जान दे दी। सर आपके बीच में मैं बोला क्या? नहीं सर आप बोले, आपके बीच में मैं बोला क्या? आप बोले ना, कांग्रेस वालों को बोलने की आदत होती है। आप ये किन को बुला लेते हैं मैडम? आप बोल सकते हैं, देखिए क्या है आपको, यही होता है, यही होता है। नहीं मैं उठ के जाऊं क्या यहाँ से? आप बताइए मुझे, आपको टिकट नहीं करवाना? मैंने नहीं बोला आपको, देखिए आप, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ भाई, उनकी बात कर रहा हूँ, कंप्लीट कर दीजिए। नहीं मैं आपसे, मैं उधर, मैं एंकर से बात कर रहा हूँ। दुष्यंत जी आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मैं एंकर से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपको अपनी बात रखने का मौका मिला, दुष्यंत जी को एक मिनट अपनी बात करिए, फिर बिल्कुल जवाब। लेकिन 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 मैंने बदतमीजी किसी से नहीं की, तू से किसी से बात नहीं की, किसी के बीच में बोलना भी बदतमीजी ही है, ये मेरी संस्कृति है। अब इनको जो संस्कृति मिली है वो कर रहे हैं। दोनों समय हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी बैकग्राउंड से आते हैं, लेट इट बी दैट वे। हम बिल्कुल मुद्दे से भटक रहे हैं गुलरे जी, उनको अपनी बात खत्म करने देते फिर आप जवाब दीजिएगा। बताइए दुष्यंत जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो विषय मैंने उठाया उससे इसको संबंध करके देखने की जरूरत है। स्कीम के ऊपर मैंने सवाल नहीं उठाया, स्कीम अच्छी हो सकती है, स्कीम में कोई बुराई हो सकता नहीं है, देने वाले की हो सकता है, मंत्री की नीयत में भी कोई खोट ना हो, लेकिन क्योंकि ये लाल किला है, इस लाल किले का भारत की आजादी में, भारतीयता की लड़ाई में, 1857 की क्रांति में एक कहीं ना कहीं ये साक्षी है, ये गवाह है। तो इसको इसको अगर आप किसी प्राइवेट हाथ में देते हैं तो एक दिल को एक धक्का पहुंचता है। विषय भावनाओं का है, विषय ये नहीं है कि उसको रख, उसको बिल्कुल कोई, मुझे लगता है कि डालमिया ग्रुप ऐसा क्यों करेगा कि उसमें कोई परिवर्तन करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, और फिर सरकार क्यों करने देगी, ये विषय नहीं हो सकता। विषय भावनाओं का है, लाल किला भावनाओं से जुड़ा है। वहां पे एक ऐसा केस चला था जिसमें आजाद हिंद फौज के लोगों के खिलाफ अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे, वहां पे सुनवाई हुई थी जिसकी रिपोर्टिंग है, वो उनमें बाद में कर्नल सहगल, कर्नल जनरल शहनवाज, उन सबको बरी किया गया। नेहरू जी ने वो केस लड़ा और कई बड़े उसमें लॉयर थे जिन्होंने वो केस लड़ा। तो ये एक हमारी धरोहर है, इसको अगर ना किया जाए तो अच्छा है। गुलरे जी अब मैं इसी से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहूंगी, जैसा कि हमारे इतिहास की धरोहर है, दिल के करीब है, बहुत सी भारतीयों की जो है वो यादें इससे जुड़ी हुई हैं और लगभग हर व्यक्ति जो है उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, तो ऐसे में सरकार ने ये क्यों नहीं किया कि वो खुद ही जो है इसके लिए एक बेहतर रखरखाव की टीम तैयार करती और वह खुद ही अपने हाथों में जो है पूरा रखरखाव रखती? आखिरकार जरूरत क्या पड़ गई कि हमने एक कॉरपोरेट घराने को चुना और उसके बाद उसको कहा कि तुम ये जिम्मेदारी निभाओ? देखिए मैडम, जैसा कि आप कह रहे हैं, हम सबकी साझा सांस्कृतिक धरोहर है वो, और सबके इमोशन उससे जुड़े हुए हैं, इसीलिए जब तक के जन भागीदारी नहीं होगी हम हजारों साल तक इन व्यवस्थाओं को प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। और एक बात याद रखें, आप हाथ मत उठाएं तो अच्छा है, क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि आप लोग जब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की और INA ट्रायल्स की, तो जिस सुभाष चंद्र बोस को तो कांग्रेसियों ने भगाया था और अध्यक्ष पद से निकाला था, तो उसके बाद आप लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती ये सब चीजें। खैर, सुभाष चंद्र बोस से हमारा बड़ा निकट नाता है, दिल से जुड़े हुए हैं हम उनसे और INA से, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये इमारतें हजारों सालों तक प्रिजर्व रहे और देश के लोग इनको अपनी, इनको प्रिजर्व करना अपनी जिम्मेदारी समझे। जो ग्रुप्स, जो लोग कमाते हैं इस देश में, मुनाफा कमाते हैं, उनका उनका ये कर्तव्य बनता है कि इस देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको मेंटेन करें और अपना योगदान दें। इसी के लिए एक ही कदम है और मैं आपको 100% कहता हूं ये एक सार्थक कदम है और अच्छी दिशा में जाएगा। जी जी बोलिए। हां देखिए, मैं एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए ऐसा है, हर जो भी शोभा हो, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हर जगह चलती है, हर मुल्क में चलती है। एग्जाम्पल दिया था किसी ने रशिया का, पूरी दुनिया में चलती है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और कहां कहां सब जगह चलती है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। मैं समझता हूं अगर डालमिया को ये दे दिया गया, इसमें कोई हर्ज नहीं है, उनको इसकी मिल्कियत नहीं दी जा रही है, उनको इसका हक नहीं दिया जा रहा है कि आप वहां पर अपना कोई लॉन बना लें, कोई इमारत बना लें, बिल्कुल भी उस तरह का कोई काम नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ उनको ये फैसिलिटीज देखनी है, जैसे वहां लाइट एंड साउंड
साउंड शोज हैं उनको सही तरीके से करा जाए, व्हाट्सएप के ऊपर पूरी दुनिया में इसका प्रचार किया जाए कि लाल किले में क्या क्या हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सी, चाहे वहाँ सफाई हो सुथराई हो, रात को वहाँ पर जो है एक पूरा सर्विलांस होगा, कैमरा लगाए जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से, अब आपने एक बड़ा तीखा सवाल पूछा था पल्लवी इनसे, गुर्रेज से गालिबन जवाब नहीं इन्होंने दिया क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ सरकार यहाँ पे आए हुए, कि आखिर सरकार ये काम क्यों नहीं कर रही है। बहुत जायज आपका सवाल था, मैं उसका जवाब देता हूँ और आप भी सुनिए गुलरेज। सरकार इस, देखिए मैं पिछले 50 साल से तो कांग्रेस सरकार को देख रहा हूँ, 4 साल से मैं भाजपा सरकार को देख रहा हूँ। जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, कोई भी मॉन्यूमेंट हो, उसकी कोई ठीक तरीके से सफाई सुथराई नहीं हो रही, उसका रखरखाव नहीं हो रहा, उसकी रेस्टोरेशन नहीं हो रही, चाहे वो मौलाना आजाद का मजार हो, गालिब की हवेली हो, या फिर एक ही, देखिए पिछली जब सरकार आई थी भाजपा की, एक काम जगमोहन जब कल्चर मिनिस्टर थे और ये चांदनी चौक के जो एमपी थे आपके, क्या नाम है, विजय गोयल, इन्होंने मिलकर जो तरह के आगे जो ग्राउंड्स थे उनको बहुत अच्छे, बहुत कायदे के तरीके से किया था, तो सरकार के लेवल पे हुआ था। तो मैं समझता हूं सरकार अगर अपने को सक्षम समझती है तो उसको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर सरकार ने यह काम किसी प्राइवेट कंपनी को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, एनबीसीसी को, या फिर डालमिया को दे दिया है, या travel.com को, किसी को भी दे दिया है, मैं समझता हूँ बुराई नहीं है, कि सारे राइट्स जो है मॉन्यूमेंट की सेफ्टी सिक्योरिटी हिस्टोरिसिटी के और ईमानदारी के साथ लेकिन, उसमें लेकिन को सरकार हो, तो मैं समझता हूँ पूरी नजर भी बनाए रखनी होगी। अगर उसमें कोई बिगाड़ पैदा हुआ, हमारे जैसे जो एक्टिविस्ट हैं, मॉन्यूमेंट एक्टिविस्ट, हम सबसे पहले जाके मीडिया को, आप लोगों को, बड़े बड़े अखबारों को बताएंगे हर लैंग्वेज में कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, आपका कर्तव्य करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, हम करते चले आ रहे हैं पिछले 25 साल से, 30 साल से, ठीक है। तो लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर, दुष्यंत जी आपके लिए, गालिब की हवेली जब हम रिस्टोर करा रहे थे, गली कासिम जान में गालिब का घर, तो उसमें सबसे ज्यादा परेशानी हमें शीला दीक्षित जी ने और वहां के जो एमएलए हैं, क्या नाम है उनका, हारून यूसुफ जी ने, हमें काम नहीं करने दे रहे थे, लेकिन चूंकि कोर्ट का ऑर्डर था इसको हमने कर लिया। और फिर आईसीसीआर के जरिए उसकी जो भी सज्जा होनी थी, जो भी उसकी कलई होनी थी, रंग पॉलिश होना था उसमें, वो कायदे से हो गया। मैं समझता हूँ सरकारों को आगे आना चाहिए, भाजपा सरकार को भी आगे सोचना चाहिए। अगर प्राइवेट कंसर्न्स को दे दिया ठीक है, लेकिन खुद भी सोचना आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर सरकार को भी जो है वो ये देखना चाहिए कि इन मॉन्यूमेंट्स के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना, और सबसे पहले सरकार को ही आगे आना चाहिए और रखरखाव की जिम्मेदारी सबसे पहले सरकार की बनती है और बाद में कॉर्पोरेट। एक मिनट के लिए, सरकार के इस फैसले की ना आलोचना बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी धरोहर को खराब जो है, उनकी हालत जो है काफी खराब है, उनका रखरखाव नहीं है, तो डर यह भी जताया जा रहा है कि कहीं इमारतों के साथ, ढांचे के साथ जो है किसी तरह का खिलवाड़ ना हो जाए। तो कुछ और रिएक्शन भी आपको सुना देते हैं। ये तो गलत है, ठीक नहीं है, क्योंकि जो हेरिटेज है और जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर अट्रैक्शन है, जो विदेश के पर्यटक आते हैं, तो इन इमारतों का और इन बिल्डिंगों का जो एक कदीमी एक नक्शा है वो रहना चाहिए, कि जो इसका जो ऐतिहासिक कैरेक्टर है वो रहना चाहिए। और इस तरह से अगर गोद दे देंगे तो आपको मालूम है जिन लोगों ने गांव गोद लिए थे, विलेज गोद लिए थे, उसका क्या बना। मेरे हिसाब से सोचना चाहिए तो टोटली उनके हाथ में मैनेजमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल मॉन्यूमेंट्स है। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कई मॉन्यूमेंट्स को बराबर प्रॉपर केयर नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे हुमायूं टोम है सिकंदरा में, जो है अरका बाई की मज़ार है जहां पर मैं विजिट किया था, वहां पर टोटली डैमेज हो चुके हैं, मतलब कोई देखने वाला नहीं है, सिक्योरिटी रीजंस भी उनके पास नहीं है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिया इट्स गुड, बट टोटल मैनेजमेंट शुड नॉट बी उनको नहीं देना चाहिए। तो एएसआई जो है वो रखरखाव ठीक नहीं कर रहा, इसलिए आज कॉर्पोरेट घरानों की जरूरत पड़ी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि सरकार के हाथ में जो चीज होती है उसका रखरखाव नहीं ठीक से हो पाता है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या फिर हमारे मॉन्यूमेंट्स हो या फिर स्कूल हो, जिसके साथ में सरकार जुड़ी होती है, वो कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती है जो ठीक हो। गुलरेज जी, अब आप अपनी बात कहिए, क्योंकि मैंने जो पॉइंट उठाया इसका भी जवाब दीजिएगा कि क्यों ऐसा होता है कि सरकारी चीजों का रखरखाव जो है वो सरकार ठीक से नहीं कर पाती है और नौबत यहां आ जाती है कि गांव को गोद देना पड़ता है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से चूक रही है? नहीं, देखिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं चूकती है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पे आप देखें तो जो एक स्वीकारित चीज है कि गवर्नमेंट शुड हैव नो बिजनेस इन गवर्नमेंट,
इन बिजनेस, सॉरी गवर्नमेंट शुड हैव नो बिजनेस, केवल गवर्नेंस ही करना चाहिए, उसके अलावा कोई बिजनेस गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। और आप एक चीज देखें इसमें कि ये विपक्ष का जो दुष्प्रचार चल रहा है, ये मात्र एक एमओयू साइन हुआ है, उसको गोद दिया गया है 5 वर्ष के लिए, ना कि किसी प्रकार का लीज डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, ना कोई डालमिया के नाम पर रजिस्ट्री हो गई है, हंगामा ज्यादा हो रहा है। आप देखें कि स्पेन एक छोटा सा कंट्री है जिसमें पिछले वर्ष जिसमें 30 मिलियन टूरिस्ट आया था, और भारत इतना विशाल कंट्री जहां इतनी सारी धरोहर है, मात्र 10 मिलियन टूरिस्ट आया, उसका कारण क्या है? क्योंकि रखरखाव होता नहीं है, मेंटेनेंस होता नहीं है, तो जो बाहर भी एक आबोहवा बनती है वो ऐसा वातावरण बनता है कि भारत में जाएंगे तो हमको फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, हम लोग वही चाहते हैं कि उस चीज से बाहर निकल जाए। एक प्रॉब्लम है यहां गुलरेस, एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा आपकी बात पे। देखिए हमारा एएसआई का जो बजट है पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको बचाने का, मैं आपको एग्जांपल दे, जो म्युनिसिपैलिटी है पेरिस की जो म्युनिसिपैलिटी है उसका बजट हमारे ऑल ओवर इंडिया के मॉन्यूमेंट से डबल है। अब आप देख लीजिए कि हम कितने बुरे स्टेटस में हमारे। अब ये देखिए आपकी जो सरकार है उसको देखना चाहिए, ठीक है प्राइवेटाइज कर दिया प्राइवेट फ्रांस, लेकिन साथ में ये ध्यान भी रखें कि जो उनका हिस्टोरिक वैल्यू है और वखार है उस पर आंच नहीं है, तब उसके लिए गवर्नमेंट कमिटेड है। दुष्यंत जी की जो धरोहर राहुल गांधी जी है वो उसको संभालेंगे, हम देश को संभालेंगे, ये तो 19 में पता चल जाएगा। एक मैं इन्होंने बड़ी अच्छी बात उठाई नेताजी के विषय में, मैं राष्ट्र को ये बताना चाहता हूँ जब वर्ल्ड वार सेकंड हुआ नेताजी हिटलर के साथ मिलके अंग्रेजों से लड़ रहे थे, कांग्रेस ने अपनी सरकारों से इस्तीफा दिया कि वो सैनिकों का जो भारतीय सेना था सुन लो भारतीय सेना अंग्रेजों के लिए नहीं लड़ेगी, और इनके जो पूर्वज थे उन्होंने पूरे देश में कैंप लगवाए, लोगों को सेना में भर्ती करवाया, तो ये आज बात कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं हम नेहरू जी के समर्थक, आपने नेहरूवियन पुस्तकें पढ़ी है, आपको पता नहीं चाहिए से भरी हुई पुस्तक, लेकिन इतिहास आपका देश जानता है, लोगों में नेहरूवियन का इतिहास जानता है, आप राहुल से इतना डरते हो कि 24 घंटा राहुल 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 को लॉलीपॉप सरकार चला सकता है, लाल का संरक्षण करने सरकार चलाओगे, सरकार चलाओगे, अरे रुकिए गुलरे साहब, लाल किले की हिस्टोरिसिटी पे कोई आंच आती है तो हम जैसे एक्टिविस्ट अभी हैं जिंदा, हम इसको आने नहीं देंगे, चाहे कांग्रेस बिल्कुल। आप बड़े ASI के विषय में जानते हो, एक्टिविस्ट दुष्यंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, गुलरेश शेख जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कंबोडिया तक तो संरक्षण, और फिरोज बख्त अहमद जी आपका भी, बस समय नहीं है, समय की कमी है, देखिए बिल्कुल समय की कमी है, मेरे पास समय नहीं है, ये मुद्दा ऐसा है और इतना गर्म है कि शायद उसके लिए एक घंटा भी कम पड़ता, लेकिन गुलरेश जी दुष्यंत जी और फिरोज बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कॉरपोरेट घराने जो है वो हमारे राष्ट्रीय धरोहर के साथ जुड़ रहे हैं, इसमें कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, और यही वजह है कि आज मुद्दा जो है छिप जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे राष्ट्रीय धरोहर के साथ छेड़छाड़ हो जाए, लेकिन यहाँ पर सरकार जो है वो पूरी सजग नजर आ रही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इस तरह के करार को खत्म उसी वक्त कर दिया जाएगा, और कॉरपोरेट घरानों को फिर आगे से इस तरह के रखरखाव की कोई जिम्मेदारी नहीं। इस खास पेशकश में इतना ही।